और अब बात अलवर की, जहां चुनाव से पहले ही टिकट को लेकर एक ही परिवार से दो दो दावेदार सामने आ गए हैं। दरअसल अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को लेकर अब पूर्व विधायक जयराम जाटव का परिवार आमने सामने हो गया है। पूर्व विधायक जयराम जाटव की बेटी मीना कुमारी जाटव ने अलवर ग्रामीण से चुनाव को लेकर अपनी ताल ठोकी है, जहां उसके परिजनों ने ही उसका विरोध किया। मीना कुमारी के बैनर लगाने पर जब समर्थक गए तो पूर्व विधायक जयराम जाटव के बेटे विजेंद्र जाटव मौके पर पहुंचे और मीना कुमारी के बेटे विशाल के साथ मारपीट कर डाली और उनका बैनर भी फाड़ दिया और हटा दिया। आरोप है कि चुनाव लड़ने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। दरअसल मीना कुमारी के पति रेलवे में नौकरी करते हैं, जो अलवर में रहते हैं। काफी समय से मीना कुमारी के अपने पीहर आना जाना बंद है। इस बार मीना कुमारी ने अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से ताल ठोकी तो पूर्व विधायक जयराम जाटव के परिवार में हड़कंप मच गया, क्योंकि पूर्व विधायक जयराम जाटव बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और इसी विधानसभा से पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। घटना मालाखेड़ क्षेत्र से होल्डिंग लगाने गया था मेरा बेटा विशाल बोध, तो होल्डिंग को फाड़ा है, होल्डिंग हटा दी है और उसमें गाली गलौच दी है, गर्दन पकड़ी है, लात घूंसे से उसे मारा है। जयराम जाटा का बेटा है, मेरा भाई है विशाल, वो क्या नाम विजेंद्र कुमार, मालाखेड़ा बाईपास श्याम गंगा के पास में होल्डिंग। अलवर ग्रामीण से मैं उम्मीदवार हूँ, मैं ग्रामीण से चुनाव लड़ना चाहती हूँ और चुनाव ये कहते हैं चुनाव मत लड़िए, आप लड़ेंगे तो जान से खत्म कर देंगे आपको। आज मैं मालाखेड़ा श्याम गंगा बाईपास है जो, वहाँ पर अपनी मम्मी यानी कि मीना कुमारी जाटव के होल्डिंग लगाने गया था, जो कि अलवर ग्रामीण विधानसभा से उम्मीदवार है। तो मैं जब अपने लड़कों के साथ गया जो कि होल्डिंग लगाने वाले हैं, एक लड़का साथ गया था, वो होल्डिंग लगा रहा था, पीछे से मेरे मामा आते हैं यानी कि विजेंद्र कुमार जाटव, जो कि जयराम जाटव जी के पुत्र हैं, जो कि मेरे नाना लगते हैं। वो पीछे से आते हैं, गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले मेरे पीछे दो थप्पड़ देते हैं और गर्दन पकड़ते हैं। अभी मैंने सोशल मीडिया पर देखा था, जिस तरीके का ये वीडियो है, जिस तरीके से मामा अपने भांजे से बदतमीजी कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चाल चरित्र और चेहरे को उजागर करता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां संस्कारों की बात करते हैं, उनकी पार्टी में संस्कार नहीं है। और जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं हो सकता, अपनी बेटी को बहन को अपशब्द कह रहा है, बहुत गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को